हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रोम मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, और यहाँ पर मैं बात करूँगा आपका म्यूचुअल फंड के ऊपर। ठीक है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वन टाइम करते हैं या फिर SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे कि क्रोम में जो SIP कैलकुलेटर है कि अगर हम लोग यहाँ पर महीने इतना रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 10 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा या फिर 20 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा, ये हम लोग कैलकुलेटर से एक एजम्पशन मान के चलते हैं। तो चलिए मैं आपको कैलकुलेटर बता देता हूँ कि कहाँ पर मिलेगा और कैसे आप इसको यूज करेंगे। तो मैं क्रोम मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन है वो म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्विक एक्सेस का ऑप्शन। ठीक है, क्विक एक्सेस में आप यहाँ पर जाएंगे सबसे राइट में, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है SIP कैलकुलेटर का ऑप्शन। ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर SIP कैलकुलेटर आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं SIP पर मंथ हम लोग यहाँ पर 2000 रुपये को डिपॉजिट करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रेट हम लोग 12% मान के चलते हैं। आप यहाँ पर इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड क्या है उस हिसाब से यहाँ पर इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया 13 समथिंग कर दिया। ठीक है, टाइम पीरियड मैं यहाँ पर 10 साल ले लेता हूँ कि 10 साल का, इसका भी आप यहाँ पर स्लाइड करके कम या ज़्यादा टाइम पीरियड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 11 साल ले लिया है तो 11 साल में जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो कितना होगा, 264,000 रुपये होगा अगर हम लोग पर मंथ 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो। और हमको एस्टीमेट रिटर्न कितना मिलेगा, 3,39,284, मतलब कि जितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया उससे यहाँ पर 1.5 गुना हमको रिटर्न मिलेगा। 3,39,284 रुपये हम लोगों को एस्टीमेट रिटर्न मिल जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 603,284 रुपये। अब इसी को जो टाइम पीरियड है मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15 ईयर्स, तो हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा, 3,60,000 होगा और एस्टीमेट रिटर्न आपको मिलेगा 7,95,000, लगभग 8,00,000 रुपये यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि लगभग दोगुने से ज़्यादा हमको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर SIP को प्रेफर करते हैं क्योंकि SIP में यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यही कर देता हूँ 20 साल, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया है 20 साल, तो हमारा जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो कितना होगा, 4,80,000, लेकिन हमको जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 19,41,378, लगभग यहाँ पर 19.5 लाख रुपये हमको मिलेगा। जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 24,21,378 रुपये। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेटर है। अगर ये बात की थी हम लोगों ने SIP की, अब मैं लमसम की बात कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल्स आपके पास अगर बहुत बड़ा अमाउंट आया लमसम में, फॉर एग्जांपल्स मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर आपके पास 5 लाख रुपए है। ठीक है, 5 लाख रुपए आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका जो एनुअल रिटर्न ये सेम रहने देते हैं, टाइम पीरियड 20 साल रहने देते हैं। पहले क्या कर लेते हैं हम लोग 10 साल का देखते हैं कि 10 साल के लिए हम लोगों ने 5 लाख रुपये डाला तो कितना मिलेगा। तो हमको जो एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा वो हमें 10 साल में 5 लाख तो हमारा इन्वेस्टेड है, एस्टीमेट रिटर्न मिल जाएगा 12,58,000, लगभग यहाँ पर आपको 12,60,000 रुपये मिल रहा है जो कि एस्टीमेट रिटर्न है, मतलब कि 5 लाख इन्वेस्ट किया और 10 साल में आपको इतना और मिल जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 17,58,331 रुपये। अब मैं इसी को कर देता हूँ कितना, 20 साल। ठीक है, तो 20 साल में कितना मिलेगा, आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, 5 लाख का आपको यहाँ पर एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा, 56,83,453 रुपये यहाँ पर आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पर 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 61,83,453 रुपये। तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 साल के लिए किया तो कितना हो गया, 56 लाख हो गया, 56,83,000, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही साल बढ़ा देता हूँ तो ये कितना हो गया, 56 से 65 लाख हो गया, मतलब कि यहाँ पर आपका एक साल में ही 10 लाख से ज़्यादा बढ़ चुका है अमाउंट। ठीक है, तब ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो इस तरह से बढ़ता है। अभी कितना है, 65 लाख हो गया, चलिए मैं एक साल और बढ़ा देता हूँ, 22 साल कर दिया, 65 का कितना हो गया, 74 लाख हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, पर ईयर का आपको 10-12 लाख रुपये आपको मिल जाता है अगर आप यहाँ पर 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लानिंग है दोस्तों, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग SIP कैलकुलेटर का यूज करके आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देख सकते हैं। ठीक है, एस्टीमेट रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू।